सीधे सीधे आप एक तो दिल्ली के अंदर 1.5 लाख कैमरा लगाने के लिए चाइनीज सरकार की कंपनी को ठेका देने की कोशिश केजरीवाल के द्वारा करी गई है और उन्होंने उस कंपनी को चुन लिया जिसको चाइनीज गवर्नमेंट ओन करती है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये प्राइवेट कंपनी को ये ठेका देना चाह रहे हैं और दूसरा आरोप करप्शन का सबसे बड़ा इसलिए है कि ये ठेका दो बार टेंडर दो बार हुआ, एक बार नवंबर में हुआ है, एक बार जनवरी में हुआ है। तो बेल जो जो जिसकी वेंडर ये हिकविजन है उसको ये जब तक के नहीं दिया गया ठेका जब तक हिकविजन उनका वेंडर नहीं बन गया और उनका वेंडर भेल का जो हमने प्रूफ दिया है वो बना है 4th quarter 2017-18। तो ये नवंबर में टेंडर इसलिए नहीं भेल को दिया गया क्योंकि हिकविजन जब तक के उनका वेंडर नहीं बना था और ये हिकविजन को शुरू से ही देना चाहते थे जिनसे इनकी साठ गांठ थी। हिकविजन को कहा गया कि आप किसी PSU का वेंडर बन जाए, PSU के माध्यम से आए ताकि हम आपको दे सकें और जब तक के ये टेंडर, अब ये जो कैबिनेट का डिसीजन है ये अक्टूबर 2015 का है और ये टेंडर अभी 2018 फरवरी में क्यों हुआ दिया गया, 3 साल क्यों वेट किया गया? इसीलिए 3 साल वेट किया गया कि ये वेंडर को जिसको देना चाहते हैं वो वेंडर जैसे ही बेल का वेंडर बना, हिकविजन जैसे ही बेल का वेंडर बना, चाइनीज गवर्नमेंट जैसे ही बेल की वेंडर बनी वैसे ही ये टेंडर दे दिया गया। तीसरा, इसके अंदर केंद्र सरकार भी बराबर की भागीदार है, डिफेंस मिनिस्ट्री की बेल है और बेल जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है कैसे उन्होंने हिकविजन को जो कि चाइनीज गवर्नमेंट जिसको ओन करती है कैसे उन्होंने उसको ठेका दे दिया, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री भी इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। तो अब जब डिफेंस मिनिस्ट्री भी फंस गई, केजरीवाल भी फंस गए कि दिल्ली में 1.5 लाख कैमरा दिल्ली के अंदर चाइनीज सरकार की कंपनी को चाइनीज गवर्नमेंट बैठ करके जो जो पाकिस्तान के रिपब्लिक डे परेड में चाइना की मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है, जब ऐसी गवर्नमेंट के यहाँ पर ऐसी सरकार को आप दिल्ली के अंदर 1.5 लाख कैमरा दे देंगे और डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देंगे, दिल्ली सरकार देगी, तो दोनों की संलिप्तता को छुपाने के लिए अब दोनों आपस में जानबूझ करके झगड़ रहे हैं ताकि मामले को दबाया जा सके। हम लोग जो हैं इस मसले को लेकर के CBI के पास जाएंगे, इस मसले को लेकर के CBC और हम लोग भारत सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ हम पूरी दिल्ली में हम आंदोलन करेंगे कि किस प्रकार से डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानबूझ करके एक चाइनीज कंपनी को काम दिया और किस तरीके से उस चाइनीज कंपनी को जानबूझ करके दिल्ली सरकार ने पहले से सेटिंग के माध्यम से उनको उस डिफेंस उस बेल कंपनी के पास में भेजा, ये इनकी दोनों की संलिप्तता है और इससे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसके अंदर पूरी की पूरी भारत की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगा है। मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ कि हम लोग उनके ऊपर भ्रष्टाचार का चार्ज लगा रहे हैं इस मसले पे और अगर उनमें हिम्मत है तो कोर्ट में जाकर के मानहानि का मेरे ऊपर करना है तो करें, नहीं तो हम CBI हम जाएंगे और वो अगर जांच करवाना चाहते हैं तो जांच करवा लें और अगर वो जांच के बाद में गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। हम ये कहते हैं संडे तक क्या करने वाले हैं, संडे तक इस्तीफा, संडे तक अगर इस्तीफा केजरीवाल ने नहीं दिया तो हम संडे को उनके घर पे निवास स्थान पे प्रदर्शन करेंगे और सोमवार से हम लोग जो है केंद्र सरकार के खिलाफ भी हम मुहिम चलाएंगे कि जो केंद्र सरकार के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन वो भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है तो उनको भी इसकी जिम्मेवारी लेकर के हटना चाहिए। 577 का टेंडर दिया गया, इसमें घोटाला देखिए हाई या लो प्राइसिंग की बात नहीं, बात यह है कि टेंडर बार बार किए गए और जब तक करे गए जब तक के ये हिकविजन का वेंडर नहीं बन गए और हिकविजन को ये शुरू से देना चाहते थे उनके साथ में इनकी सटी।